तो प्यारे बच्चों, फाइनली क्लास 9th और 11th का रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट के बाद हमारे नए सेशन 2022-23 की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नए सेशन, नई क्लास में आप आने वाले हैं और किस तरह आपका नया सेशन शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट्स, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, कॉल्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर नए सेशन की शुरुआत कैसे होगी, कब से होगी, क्या शेड्यूल होगा, क्या पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, अगर आप 9th से और 11th से पास होने के बाद 10th और 12th में गए तो इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को यार लाइक मेरे लिए, शेयर अपने दोस्तों के लिए और चैनल पर लगातार अपडेट रहने के लिए, सारी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो फाइनली स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये है सर्कुलर, जो कि रिसेंटली आया है 6/5/2022 को, और क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर क्लासेज 10th एंड 12th इन द बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक सेशन 2022-23। जो भी नया सेशन हमारा शुरू होने वाला है 10th और 12th का, उसकी शुरुआत कैसे होगी, साथ में किन के लिए होगा, तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड स्कूल है और अंडर जो भी डायरेक्टरेट एजुकेशन के अंडर में आते हैं DOE के, उनमें सभी में यही तरह पैटर्न चलेगा। क्या होगा तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि क्लासेज 100% कैपेसिटी के साथ फुल फॉर्म में खुलेंगे। कोई रोस्टर नहीं होगा, कोई ऑडिबल नहीं होगा, सारे बच्चे 10th के, सारे बच्चे 12th के लगातार स्कूल आएंगे, कोई भी छुट्टी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो, फिजिकली होगा, सब कुछ फिजिकली होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। पहली बार 2-2.5-3 साल बाद हमें ऐसा दिन देखने को मिल रहा है कि नए सेशन की शुरुआत हम फिजिकली प्रेजेंट होकर के स्कूल जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको ये एक्सपीरियंस, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई हम स्टार्टिंग से ही बच्चों के साथ मिलेंगे, डायरेक्टली पढ़ाई शुरू हो जाएगी, वो ऑनलाइन का दौर लगभग ख़त्म सा हो गया है। हालांकि कोरोना फिर से दस्तक दे रही है, लेकिन दुआ करेंगे हम, सेफ्टी रखेंगे कि ये कोरोना दोबारा ना आए और हमारी क्लासेस पढ़ाई इसी तरह से चलती रहे। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ यानी फिजिकल क्लासरूम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th फिजिकली होंगी सब कुछ। और कब से होंगी, देखो ये है 9 मई, तो 9 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 6 तारीख को रिजल्ट आ गया, 7 तारीख को आराम करना है, 8 तारीख को थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, अपने बैग वगैरह पैक करो, और हाँ 9 तारीख से अपना ड्रेसअप होकर के आपको स्कूल जाना है। और क्या सीन रहेगा देखो यहाँ पर, सबसे पहले ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा, कुछ जनरल सी चीज़ें, कॉमन सी चीज़ें, कुछ एक्टिविटी होंगी ताकि एक फ्लो बनेगा हमारा और जल्दी ही हम अपने क्लासेस या जो भी सिलेबस है उसे कवर करेंगे। यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे 10 तारीख से छुट्टियाँ हो जाती हैं गर्मियों की, बट गर्मियों की छुट्टियाँ नहीं पड़ेंगी, आपकी क्लास पढ़ाई आपकी रेगुलर चलती रहेगी। और कब तक चलेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो क्लासेस स्टडी चलेगी ये आपकी 9 मई से 15 जून तक चलेगा, क्योंकि बुनियाद और मिस्र समर कैंप भी इस दौरान चलेगा, इसलिए 10th और 12th की क्लासेस भी रेगुलर चलेंगी हमारी वो पूरा 15 जून तक। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का यहाँ पर 3 कोहार्ट बना रखे इन्होंने, 3 कोर्ट बना रखे हैं। अब बेसिकली 3 कोर्ट को आप समझ लीजिए कि पहला कोर्ट यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट कोर्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है, तो अलग अलग शेड्यूल किया गया तीनों के लिए। ध्यान से सुने, पहला कोर्ट उनके लिए जो डायरेक्टली पास हो गए, अपनी मेहनत से पास हो गए, उन बच्चों की अलग स्ट्रेटजी होगी। दूसरा ये है कि जिन बच्चों का प्रमोट होके, जो बच्चे प्रमोट होके पास हुए, तो उनके लिए अलग एक्टिविटी और स्ट्रेटजी चलेगी। तीसरे टाइप के वो बच्चे होंगे जो कंपार्टमेंट वगैरह आया है, तो कंपार्टमेंट वालों की भी जो भी क्लासेस चलेंगी।
और कंपार्टमेंट वालों का दो फेसेस में चलेगा। फर्स्ट पेज में 1 मई से 31 मई तक चलेगा, क्योंकि इस दौरान इनका एग्ज़ाम वगैरह भी चलेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी, एग्ज़ाम भी दिया जाएगा। तो सारा का सारा उनका जो कंपार्टमेंट आया, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो फेज़ 2 इनका चलेगा 2 जून से 15 जून तक। अब चलेगा क्या आपका, तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है जो भी टाइम टेबल होगा वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले देखो कि डेली पीरियड होंगे आपके फॉर AMC एंड देशभक्ति। तो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में देशभक्ति और AMC चलती है, तो आपकी डेली AMC और देशभक्ति चलेगी 30-30 मिनट, 30-30 मिनट का पीरियड होगा आपका डेली का। एंड एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पीरियड डेली 45 मिनट्स ईच, यानी कि डेली आपके 2 सब्जेक्ट की और पढ़ाई होगी, एक देशभक्ति, दूसरा AMC, तीसरे 2 सब्जेक्ट की आपकी डेली पढ़ाई होगी और वो होंगे 45-45 मिनट के। ईच सब्जेक्ट शुड हैव एटलीस्ट 2 पीरियड इन ए वीक, और एक हफ्ते में प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 पीरियड होंगे, यानी कि एटलीस्ट कम से कम 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो 3-4-5 भी हो सकते हैं। मतलब आपके सभी पीरियड सभी क्लास से चलेंगे, सारे सब्जेक्ट के चलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, जो भी आपके पॉलिटिकल है या कंप्यूटर, जो भी सबके आपकी क्लासेस चलेंगी 45-45 मिनट की। साथ में आपका क्या चलेगा, 2 पीरियड पर वीक फॉर लाइब्रेरी स्टडी। तो लाइब्रेरी स्टडी के भी 2 पीरियड हफ्ते में चलेंगे आपके, और ये प्रॉपर टाइम टेबल बनेगा, रोस्टर बन जाएगा भाई, किस दिन हिंदी पढ़ाई जाएगी, किस दिन इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, किस दिन संस्कृत चलेगी, मैथ, साइंस, SST कब चलेगी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, ये सारा का सारा एक रोस्टर बन जाएगा और आपके उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस चलेंगी। इसी दौरान आपकी मिशन बुनियाद समर कैंप भी चल रहा है, तो टीचर्स के लिए अपडेट है कि भाई टीचर्स भी रेगुलर आएंगे स्कूल में, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, परमानेंट हो, किसी भी टाइप के टीचर्स हो। तो जो भी परमानेंट टीचर्स हैं उनको यहाँ पर CCS मिलेंगी, CCS लीव मिलेंगी, और जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको जो भी पर डे के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी है उसको उन्हें वो मिलेगी। तो सभी को आना है, कंपलसरी है, क्योंकि मिशन बुनियाद भी है, 10th और 12th की क्लासेज भी है, तो लगभग लगभग सभी क्लासेज यहाँ पर चलने वाली है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ क्लियर किया है कि भाई किस तरह की एक्टिविटी होंगी, क्या क्या शेड्यूल किया जाएगा, और यहाँ पर एनेक्सर भी आपको दे रखे हैं, लाइक जो भी सिलेबस होगा। तो क्लास वाइज देखो 6ठी 7वीं 8वीं, 6ठी से लेकर के 10वीं तक यहाँ पर प्रॉपर सिलेबस भी दे दिया गया है, लाइक ये इंग्लिश का सिलेबस है 10th का, उसके बाद देखेंगे तो ये हिंदी का आ गया है 6ठी से लेकर के 10th तक। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर सिलेबस भी मिल जाएगा और प्रॉपर आपको यहाँ पर गाइडेंस भी, मतलब जो भी कुछ आपका एक तरह से मान के चलो कि बेसिक चीज़ें सिखाते हुए सब्जेक्ट की तरह बढ़ा जाएगा और प्रॉपर आपकी पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। बाकी कुछ और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए वीडियो में, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, नई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और एक हमारा पहाड़ी चैनल है उत्तराखंड का, उस पर मैं पहाड़ी लाइफस्टाइल की वीडियो डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यस, इस वीडियो को शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में। धन्यवाद।